पर चमोली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिले के जोशीमठ, कर्णप्रयाग और गोपेश्वर में लोक अदालत लगाई गई, जहां सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित होने वाले मामलों का निस्तारण किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और सीनियर सिविल जज सिमरनजीत कौर ने बताया कि लोक अदालत में 70 विभिन्न मामलों का आपसी सुलह समझौता के आधार पर निस्तारण किया गया है, जिसके तहत 1,79,11,423 की धनराशि का सेटलमेंट किया गया, जबकि उपभोक्ता परितोष के 3 मामलों के साथ बैंक संबंधी 61 वादों का निस्तारण किया गया। इसमें 37,82,056 रुपये की वसूली की गई। लोक अदालत में मोटर वाहन एक्सीडेंट, पारिवारिक विवाद सहित कई मामलों का निस्तारण किया गया। चमोली से संदीप सिंह की रिपोर्ट। हाँ, अभी हमारे पास कंसोलिडेटेड लिस्ट पूरी तो नहीं आई है, लेकिन जितनी आ चुकी है उसमें अभी हमारे 61 मामले प्री लिटिगेशन के हो गए हैं, जिसमें कुल धनराशि जो हुई है समझौते में डिसबर्स वो है 93,95,356 रुपये। और जितने हमारी बेंचेस जो गठित हुई थी आज पूरे जिले में, उसमें हमने 65 केस रेफर किए थे, लेकिन अभी तक पता चला है कि कुछ और केसेस भी टेकन अप हुए हैं, तो हमारे पास लगभग 72 केसेस में से 70 केसेस निस्तारित हो चुके हैं।